नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोक आस्था का महापर्व का आज दूसरा दिन है, खरना। और खरना जो है बहुत ही धूमधाम से जो व्रती हैं वो इसे मना रही हैं, और साथ ही साथ तमाम जगहों जगहों पर जो है सूप वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित जो है जहाँ छठ व्रतियों के लिए तिरंगा से सजाया हुआ है, और आप देख सकते होंगे तस्वीरों के माध्यम से जहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ साथ बीजेपी के तमाम लीडर हैं। और साथ ही साथ मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि छठ पूजा ही एक ऐसा त्यौहार है जो कि हर बिहारी अपने गांव वापस लौटते हैं, और हर घर में जो है छठ व्रत जो है वो मनाया जाता है। अब बिहार छोड़ देश विदेश में भी लोग इसे मनाने लगे हैं। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। छठ का पर्व अब सिर्फ बिहार का नहीं, सिर्फ भारत का ही नहीं, अब पूरे दुनिया में भारतीय मूल के लोग और बिहार से जुड़े हुए लोग मनाते हैं, और अब बाकी प्रदेशों में भी इसका बहुत मान बढ़ा है। ये पर्व बिहार के गांव-गांव कण-कण में है, और चार दिन तक जिस प्रकार से विधि विधान के अनुसार इसका काम होता है, अनुशासन के साथ चार दिन के व्रत, नहाए खाए, फिर खरना, फिर पहला अर्घ, फिर दूसरा अर्घ, और एकमात्र पर्व है जहां डूबते हुए सूरज को पहले प्रणाम करते हैं और सुबह में उगते हुए सूरज को करते हैं। हर घर तिरंगा का भी एक प्रतीक यहां देखा गया है। बिल्कुल, तो हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं, नेतागण हैं, इन सब निर्णय किया कि छठी मैया के महान पर्व पर राष्ट्र को भी प्रणाम किया जाए और छठी मैया पूरे देश को मजबूत करे, ये कामना है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि तिरंगा से सजाए जाने का मकसद एक ही है कि इसके साथ साथ देशभक्ति का भी पूरे देश में भी इसका माहौल बने, और साथ ही साथ लोग इसका भी सम्मान करें, आदर करें। जैसे छठ महाव्रत लोग उपासना कर रहे हैं, साथ ही साथ इसके साथ यह भी संदेश दिया जा रहा है। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।